हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि बहुत ही इफ़ेक्टिव फेस पैक जो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा और बहुत ही शाइनी बनाएगा। अगर आपके फेस पे झुर्रियाँ हैं या झाइयाँ हैं तो उसको भी कम करेगा। ये एंटी एजिंग का भी काम करता है, बेबी स्मूथ बनाता है आपकी स्किन को। एक बार यूज़ करके देखिए, आपको लोग देखते रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की है, शुरू करते हैं ये पैक। सबसे पहले हम लेंगे 2 टेबल स्पून चंदन पाउडर। चंदन पाउडर हमारी स्किन में मॉइस्चराइजर का काम करता है और इसको हाइड्रेट रखता है। ये एंटी एजिंग का भी काम करता है। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो अगर फेस पर रिंकल्स हैं या झाइयाँ हैं तो उनको बहुत कम कर देगा। स्किन को बहुत ही ग्लोइंग और हेल्दी बनाएगा, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को भी हटा देगा। तो चंदन हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। दूसरा इन्ग्रीडियंट यूज़ करने वाले हैं वो है बादाम का पाउडर। अगर आपके पास बादाम का पाउडर है तो आप यूज़ करिए, अगर नहीं है 2 से 3 बादाम ले लीजिए और उसको अच्छी तरह से क्रश कर लीजिए और इसमें मिला लीजिए। ये वैसा ही काम करेगा जैसे पाउडर वर्क करता है। बादाम हमारी स्किन का रंग निखारता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है। अगर बढ़ती उम्र के निशान फेस पे आने शुरू हो गए हैं तो उनको हटा देता है। बहुत ही हेल्दी इवन टोन स्किन देता है। अगर टैनिंग की प्रॉब्लम है या ड्राइनेस की प्रॉब्लम है तो उसको हटाता है। जो हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है दूध। दूध हम सब जानते हैं, इसमें लैक्टिक एसिड होता है। कच्चा दूध लेना है हमको। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आप बॉयल किया हुआ दूध भी ले सकते हैं, लेकिन कच्चा दूध हो तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत से लोगों को कच्चा दूध अगर सूट नहीं करता है तो आप इसकी जगह कर्ड यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 स्पून हमको कच्चा दूध लेना है, या आप उतना ले लीजिए जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी सही ना आ जाए। दूध हमारी स्किन के लिए एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है, एक्ने की समस्या खत्म कर देता है और ब्लीच का भी काम करता है, टैनिंग को हटाता है कि इसमें लैक्टिक एसिड होता है, इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप कच्चे दूध का इस्तेमाल करें। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा थिक लग रहा है, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा थिन हो जाए और लगाने में हमको आसानी रहे। तो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। करवा चौथ का व्रत कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, अगर आप अच्छा दिखना चाहते हो तो आप उसके एक दिन पहले आप इसको यूज़ करिए, या किसी शादी पार्टी में आप जाने वाले हो तो आप इस पैक को यूज़ करिए और उसके बाद कहीं भी जाइए, देखिएगा आपका फेस कितना ज़्यादा ग्लो करता है। लोग आके पूछेंगे कि फेस पे अप्लाई क्या किया है, तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और जब ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा ये कितना अच्छा रिजल्ट देता है। क्योंकि मेरे कहने से इस तरह आप बिलीव नहीं करोगे, तो एक बार आपको यूज़ करके ज़रूर देखना चाहिए। तो मैंने इसको अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लिया है। बस इसके बाद आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है। याद रखिए, उससे पहले आप फेस को अच्छी तरह क्लीन कर लीजिए। आप कच्चा दूध लेके अच्छी तरह मसाज करके क्लीन कर सकते हैं, या फिर आप जो भी यूज़ करते हैं फेस को क्लीन करने के लिए वो आप करिए। उसके बाद इसको अप्लाई करिए, कम से कम 20 मिनट्स आप इसको फेस पे लगा रहने दीजिए। उसके बाद ठंडे पानी से आप इसको वॉश कर लीजिएगा, फिर देखिएगा कितनी शाइनिंग स्किन देता है ये। आपको कम से कम 20 मिनट्स के लिए इसको रखना है। अब मैंने हैंड वॉश कर लिया है, मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और ग्लोइंग लग रही है। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप अपनी स्किन में डिफरेंस खुद ही देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। बाय बाय।